आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारा आज का क्वेश्चन है द बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी इन इकोलॉजी इज। इकोलॉजी में जो बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी होती है वो क्या होती है? ऑर्गेनिज्म, कम्युनिटी, स्पीशीज या पॉपुलेशन ए, कंज्यूम द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन बी। इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी स्टडी है बायोलॉजी की, जिसमें हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स एंड उसके इंटरैक्शंस विद द एनवायरनमेंट एंड इट्स इंटरैक्शंस विद द एनवायरनमेंट। ओके, नाउ अब इसके अंदर जो बेसिक स्टडी होती है वो क्या होती है? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी, इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी। बायोटिक एज वेल एबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं वो कंसिडर्ड किए जाते हैं एज पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम हमारे। नाउ उसके अंदर जो इकोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं वो किसके कंपोज्ड होते हैं? हमारी इकोलॉजी किसकी कंपोज्ड है? ऑर्गेनिजम्स की और एबायोटिक फैक्टर्स की। सो इसके अंदर जो बेसिक यूनिट होती है स्टडी की वो क्या होगी? वो ऑर्गेनिज्म होगी, कि ऑर्गेनिजम्स पे ये जो डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स हैं उनका क्या इन्फ्लुएंस है, वो उनसे किस तरह से इंटरैक्ट करता है और उसके रिलेशनशिप्स क्या है। इसलिए जो बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी इन इकोलॉजी होती है वो क्या होती है? वो होती है ऑर्गेनिज्म। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन टू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।